की बात है। हमने कल पढ़ा था रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेनेट। तो इसमें कोई पूछने वाली बात है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हम कुछ पढ़ रहे थे अभी बीच में जो छोड़ा था हमने, कुछ नहीं छोड़ा था। नेशनल असेंबली से पढ़ना था हमने आज, देखा फिर आपने सेनेट में 100 मेंबरों की सेनेट है, 100 मेंबर्स की सेनेट है। कौन है? अच्छा, और कोई डिस्कशन वाली बात? कल आपको वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मोहम्मद अकबर ने आपका सिलेबस सेंड कर दिया था, उसमें ग्रिड भी उसके अंदर लिखी हुई है, तो वो देखा आपने? क्या लगा आपको? ओवरऑल सारा ही पढ़ना है ना, कुछ छोड़ना तो नहीं है, ग्रिड में कुछ भी नहीं छोड़ रहा। तो सिलेबस के मुताबिक एवरीथिंग इज़ क्रूशल। चलिए, इसमें आपका है जी इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, 5 to 8 टीचिंग आवर्स और 5 to 8 मार्क्स की वेटेज है। अब ये जो 5 to 8 मार्क्स की जो वेटेज है ना, ये आपके चैप्टर नंबर 1 में से है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। 5 to 8 मार्क्स की वेटेज इसी चैप्टर में से है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। सो 5 का समटाइम नहीं आता, 4 नंबरों का आ जाता है, कभी 5 का भी आ जाता है इसमें से पेपर। तो इस चैप्टर में से लाजमी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ग्रेड में अलग से इसका वो टाइटल दिया हुआ है। तो उसमें किस तरह का सवाल आ जाता है, सिविल क्रिमिनल लॉ के डिफरेंस क्या होते हैं वो बता दो, कभी सेनेट के ऊपर बता दो, कभी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बता दो, रिप्रोडक्शन ओरिएंटेड। कभी आगे हमने लेजिस्लेशन का प्रोसेस पढ़ना है कि कानून बनता कैसे है, कभी एक पेपर आप में आ जाता है, कभी मनी बिल और अदर बिल्स की एक्सेप्शन आ जाती है एक दूसरे के साथ, तो वो 5 to 8 मार्क्स का इसमें से आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एसेंशियल्स 20 to 25 मार्क्स के हैं, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की परफॉर्मेंस 25 to 30 मार्क्स की है। तो अगर आप यूँ समझें कि हमें 20 से 55 मार्क्स के दरमियान में ये कोई पेपर जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आना है, कम से कम 20 मार्क्स का, ज़्यादा से ज़्यादा 55 मार्क्स का पेपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आना है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स ना इससे आगे शुरू हो जाते हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक चैप्टर्स, दे बिलोंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, रिजेक्शन, बेशुमार चीज़ें उसके अंदर हैं। उसके बाद अदर बिजनेस लॉज हैं, जिसमें से 35 to 52 मार्क्स का पेपर उन्होंने पूछना है, 35 मार्क्स का अदर लॉज में से आना है। और अदर लॉज में कौन कौन से लॉज हैं जो कि स्पेसिफिकली बताए हुए हैं, उसमें पार्टनरशिप है, उसमें जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की सर्टन चीज़ें हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, डेटा प्रोटेक्शन है, इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर है, कंपटीशन एक्ट और आर्बिट्रेशन है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो बड़े इनके ना दो दो जो आखिरी हैं, खासतौर पे पार्टनरशिप और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा, उनके ऐसे ही एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के चैप्टर्स हैं। तो वो कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, ज़्यादा लंबा काम हमारा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप और फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, मेजर काम ये है। और चैप्टर नंबर 1 जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कल हमने पढ़ा कि हमारा प्रेसिडेंट, फिर हमने पढ़ा हमारा प्राइम मिनिस्टर, फिर हमने पढ़ा सेनेट, यहाँ तक पढ़ा था। किसी का कोई सवाल जवाब तो नहीं इसके अंदर, कोई परेशानी की बात तो नहीं? आगे चलें फिर, कुछ याद है? प्रेसिडेंट के लिए क्या होना ज़रूरी है? मुसलमान होना ज़रूरी है, कोई और बात भी याद कर लेते हैं इसके अलावा भी? प्रेसिडेंट शुड बी अ मुस्लिम, ये तो आपको याद है। पाकिस्तान का लास्ट पर्सन बताएंगे, हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? लास्ट पर्सन प्रेसिडेंट पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ फेडरल मिनिस्टर्स कौन करता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट करता है फेडरल मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो करता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या प्री रिक्विजिट हैं, कौन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर?
वो शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, उसका नेशनल असेंबली का मेंबर होना जरूरी है प्राइम मिनिस्टर होने के लिए, उसके लिए भी मुस्लिम लिखा हुआ है, नहीं लिखा मेरे ख्याल में, उसके लिए नहीं लिखा, प्रेसिडेंट के लिए है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी आईन में, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं उन्होंने उस तरह से किया हुआ इस बात को। और जो सेनेट है, सेनेट की खास बात क्या है, सेनेट की व्हाट्स द पर्टिकुलर थिंग अबाउट सेनेट, पर्टिकुलर थिंग अबाउट सेनेट इज परमानेंट लेजिस्लेटर बॉडी है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस है, सो देर इज नो फियर ऑफ डोमिनेंस, एक सूबे में दूसरे सूबों से कोई डोमिनेंस का फियर नहीं है कि जी वो सूबा साइज में बड़ा है तो वो कोई जो है वो अपनी जो है ना वो ज़्यादा लॉ मेकिंग अपनी फेवर में ना करवा लें, क्योंकि सेनेट बैठी हुई है, तो अगर कोई पंजाब की फेवर में लॉ ज़्यादा जा रहा होगा तो सेनेट में तो बलोच भी बैठे हैं, सिंधी भी बैठे हैं, केपी के लोग भी बैठे हुए हैं, गिलगित के भी बैठे हुए हैं, और ये अपना फेडरेशन के भी बैठे हैं, तो वो सारा देख लेंगे उसको, क्योंकि सब लोगों का स्टेक उसमें शामिल है। सेनेटर्स किस बुनियाद पर इलेक्ट होते हैं, किस बुनियाद पर, उनकी बुनियाद क्या है, क्यों जी क्या बुनियाद है, सेनेटर कोई किस बुनियाद पर बनेगा, क्यों नहीं पढ़ा तुमने, तो पढ़ लेते, कुछ पढ़ा था हमने, सेनेटर किस बुनियाद पर इलेक्ट होते हैं जी, कौन इलेक्ट करता है सेनेटर्स को, नेशनल असेंबली के मेंबर्स, नो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स, तो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स, कल हमने वो बना के दिखाया था आपको कि एक सूबे की एक सीट की कितनी वैल्यू है और दूसरे सूबे की एक सीट की कितनी वैल्यू है, हमने बताया था आपको कि बलोचिस्तान की 4 सीटें पंजाब की 16 सीटों के बराबर हैं, याद नहीं, तो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं। एक सेनेटर कितने अरसे के लिए अपॉइंट होता है भाई, 6 साल के लिए होता है, इलेक्शन 3-3 साल बाद होते हैं, बट सेनेटर 6 साल के लिए ही होते हैं, जो आज अपॉइंट हुआ उसका इलेक्शन नहीं 3 साल बाद होना, उसका 6 साल बाद ही होने, 3 साल बाद उसका होना है जो 3 साल पहले अपॉइंट हुए थे, ठीक है। प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट की मुद्दत क्या है, 5 साल, 20 साल, 5 साल, क्या प्रेसिडेंट दोबारा भी अपॉइंट हो सकते हैं, कंसेक्टिव 2 टाइम्स के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा के लिए नहीं हो सकता, कंसेक्टिव 2 दफ़ा हो सकता है, लिखने लॉ लिखते वक्त हम अमेरिका ही होते हैं, अमेरिका में भी ऐसे ही है ना, एक पर्सन वहाँ क्या कानून है, एक पर्सन 2 से ज़्यादा दफ़ा तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, एंड आई बिलीव वो 3 से ज़्यादा दफ़ा प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता कोई, 3 दफ़ा की शायद इजाज़त है कॉन्टेस्ट करने की, अगर 2 दफ़ा बन गया तो फिर 3री दफ़ा कॉन्टेस्ट भी नहीं कर सकते, पीरियड 4 ईयर्स का उनका, एक प्रेसिडेंट 4 ईयर्स के लिए है, आई थिंक 4 ईयर्स काफ़ी पीरियड है, 3.5 साल बाद नो कॉन्फिडेंस आ जाता, हाँ मतलब बारिंग ट्रंप, बाकी पिछले सारे 8-8 साल निकाल गए, ट्रंप ने अपनी ज़िंदगी में जो अचीव करना था उसने कर लिया, इससे आगे उसने क्या अचीव करना था, ये सेनेट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, इसमें से इस तरह के सवाल आते हैं जिस तरह के मैंने आपसे अभी पूछे हैं। नेशनल असेंबली हॉट डिबेट में है आजकल, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली मुल्क की पार्लियामेंट का एक सतून है, आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली है और सेनेट है, नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर होते हैं और मिनिस्टर्स होते हैं, फिर जिनको हम मिनिस्टर्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हम कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट कहते हैं, कि ये जी कैबिनेट है, ये कैबिनेट के मेंबर्स हैं, फेडरल कैबिनेट, ये जो फेडरल कैबिनेट है इसमें सेनेटर्स भी हो सकते हैं, सेनेटर्स को भी शामिल किया जा सकता है कैबिनेट के अंदर, इवन एडवाइजर्स को भी शामिल किया जा सकता है, ओके। फिर हमारे जो सेनेट के बारे में हमने डिस्कशन कर ली, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को हम कहते हैं एमएनए कहाँ से आते हैं, एमएनए 2 तरह के होते हैं, एक आते हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं वो आते हैं, और एक होते हैं जो रिजर्व सीट्स पर आते हैं, रिजर्व सीट्स
किस तरह से होती हैं? ये आपकी जो जीती हुई सीटें हैं उनके बुनियाद पर आपको दी जाती हैं, जितनी सीटें आपने जीती हैं उस बुनियाद पर आपको सीटें एलोकेट की जाती हैं। वेमेन की रिजर्व सीट्स हैं, खवातीन हल्के से इलेक्शन लड़ के जीत के भी आ सकती हैं, एमएनए बनने के लिए रिजर्व सीट पर भी आ सकती हैं, और फिर माइनॉरिटीज़ की रिजर्व सीट्स हैं, उस रिजर्व सीट्स के ऊपर माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स को कोई भी हुकूमत, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके एमएनएज हों वो उन एमएनएज की बुनियाद पर इलेक्ट करते हैं। ये एमएनएज मिल के वोट देते हैं तो कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनता है, ये मिलकर वोट देते हैं तो कोई पर्सन स्पीकर बनता है मेजॉरिटी के साथ। इनकी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको हर चीज़ के लिए, सिंपल मेजॉरिटी। स्पीकर कैसे बनता है? नेशनल असम्बली का स्पीकर तो नेशनल असम्बली से ही बनता है ना, तो नेशनल असम्बली का स्पीकर जो है वो क्योंकि एमएनए ही होता है, तो एमएनए ही होता है खुद भी, लिहाजा वो इन्हीं के वोटों से बनता है, और फिर डिप्टी स्पीकर होता है। और इन लोगों का काम लॉ मेकिंग है, अपेरेंटली इनका काम लॉ मेकिंग है, ये लॉ बनाते हैं। अब ये मुख्तलिफ हलकों से क्यों आते हैं? लाहौर से 5-6 एमएनए जाते हैं, पता नहीं 5 या 6 हैं, एक एक हल्का होता है। बेसिकली आप इसको डिवाइड किया गया है कि उस हल्के में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं, मे बी उनकी डिज़ायर्स, मे बी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आप बेहतर फैसले कर सकें, अगर आप थोड़ा देख रहे होंगे चीज़ों को, तो इसलिए उसको डिवाइड किया गया है एमएनए को कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। पढ़े इस बारे में क्या लिखा है वहाँ पर, ठीक हो गया जी। लॉ मेकिंग और फार्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज इनका मेजर काम है नेशनल असेंबली का। अब नेशनल असेंबली के ऊपर आपको 3 नंबरों का नोट लिखने के लिए आ जाए तो हमने यही लिखना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और आगे क्या है? प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन में जो है थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा गौर से देखने वाली चीज़ है। बिल, एक जो कानून आपने बनाना होता है ना उसको कहते हैं बिल। ये बिल जो होता है ना ये वो चीज़ है जिसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होगी और इसको फिर कानून बना दिया जाएगा। ये जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक बिल कहलाता है, जब कानून बन जाता है तो ये बन जाता है एक्ट। कानून बिल से एक्ट बनने के दौरान में रेजोल्यूशंस चाहिए होती हैं, रेजोल्यूशंस। नेशनल असेंबली की रेजोल्यूशन चाहिए होती है आपको, सेनेट की रेजोल्यूशन चाहिए होती है आपको, और फिर इन रेजोल्यूशंस की बुनियाद पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर चाहिए होता है तो कोई बिल एक्ट बनता है, वरना उतनी देर तक ये बिल ही रहता है। कोई कानून जो आपने बनाना हो वो कोई भी एमएनए या सेनेटर जो मुल्की सतह पर कानून बनाना हो उसके लिए वो अपनी रेलेवेंट बॉडी में वो मोशन टेबल कर सकता है, वो बिल टेबल कर सकता है, वो स्पीकर को दे सकता है जनाब मेरे देखने में इस चीज़ के ऊपर कानून बनाना चाहिए, तो काइंडली आप इस हाउस को कहेंगे इसको डिस्कस कर ले। फिर स्पीकर उसके ऊपर वोटिंग रख देता है, वोटिंग से पहले उसके ऊपर डिस्कशन होती है, डिस्कशन जो है वो कंक्लूड होती है, फिर किसी दिन तो कानून बन जाता है वो। जब एक चीज़ नेशनल असम्बली से शुरू हुई, एक कानून नेशनल असम्बली के किसी मेंबर ने शुरू किया तो वो पहले नेशनल असम्बली से पास होगा सिंपल मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद उसको सेनेट में रख दिया जाएगा, सेनेट से पास होगा सिंपल मेजॉरिटी के साथ, जब इन दोनों घरों से पास हो जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट के सामने रख दिया जाएगा, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा, तो अब ये कानून बन गया है, पहले ये कानून नहीं था। अब इसमें काफ़ी किस्म की ना चीज़ें हो सकती हैं, वेरिएबल्स आ सकते हैं। नेशनल असेंबली में एक बिल मैंने प्रेजेंट किया, नेशनल असेंबली ने उसको मेरे बिल को कोई चेंजेस वेंजेस करके मान लिया, नेशनल असेंबली से रेजोल्यूशन पास हो गई, वो सेनेट में चला गया, सेनेट ने
उसके ऊपर जो डिबेट की उसके बुनियाद पर उन्होंने उसमें कुछ चेंजेस कर दी, चेंजेस करके अप्रूव कर लिया सेनेट में, चेंजेस करके अप्रूव किया, तो वो वापस अब नेशनल असेंबली में आ जाएगा कि जब आपके घर से आया था तो इस तरह का था, हमने इसको ऐसे नहीं अप्रूव किया, हमने ऐसे अप्रूव किया है, तो अब आप भी अप्रूव कर लें। अगर नेशनल असेंबली उसको मान ले कि ठीक है जी सेनेट ने जो चेंजेस कर दिए हम उसको मान लेते हैं, तो फिर नेशनल असेंबली दोबारा उसको रेजोल्यूशन से अप्रूव करेगी। अब एक बिल दोनों घरों से अप्रूव हो गया, अब ये घर के बड़े के पास चला जाएगा कि आप इसको पास कर दें। बड़ा कौन है? प्रेसिडेंट, वो साइन कर देगा। नहीं, जरूरी नहीं है। एक बिल ऐसा भी हो सकता है कि वो पेश सेनेट में हुआ, सेनेट ने अप्रूव कर लिया, कौमी असेंबली में आएगा, कौमी असेंबली में जब आया नेशनल असेंबली में, तो असेंबली हो सकता है उसको एज इट इज़ अप्रूव कर ले या उसमें कुछ चेंजेस करके अप्रूव करे। अगर ये एज इट इज़ अप्रूव कर देंगे तो एक बिल दोनों घरों से अप्रूव हो गया है, अब बड़े के पास जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने चेंजेस करके अप्रूव किया तो वापस उस घर में जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था, वो भी अगर अप्रूव कर लेंगे तो फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। दोनों घरों ने अप्रूव कर लिया एक बिल, एक बिल दोनों घरों ने अप्रूव कर लिया, प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट कहता है नहीं सही, इसमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए, तो वो वापस भेज देगा कि आप इसको दोबारा देखें। वो दोबारा देखने का भी कह सकता है। अगर आप दोबारा भी देख के फिर कहते हैं कि नहीं जी ऐसे ही है, तो फिर प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा एक दफ़ा, लेकिन वापस भेजने का अख्तियार उसके पास है, वापस भेज सकता है। सॉरी, बार बार नहीं वापस भेज सकता, और उसके पास लाम उतना ही टाइम भी नहीं है कि वो जितना अरसा मस्जिद दबा के बैठ जाए। मेरे ख्याल 15 दिन है, 15 दिनों में उसने उसको साइन करना होता है। नेशनल असेंबली में एक बिल पास हुआ, नेशनल असेंबली में एक बिल पास हुआ, सेनेट में चला गया। सेनेट अभी उसके ऊपर डिबेट कर रही थी, अभी सेनेट का जब इजलास होना है तब उसके ऊपर बात होनी थी। मीनवाइल में पीछे से नेशनल असेंबली उड़ गई, उड़ गई से मुराद नेशनल असेंबली वॉज डिसॉल्व्ड। टाइम पीरियड है ना 5 साल का, या तो पीरियड पूरा कर गई या फिर किसी वजह से वज़ीर आज़म ने ख़त्म कर दी असेंबली, हो गई असेंबली ख़त्म हो गई। तो वो जो बिल नेशनल असेंबली से पास हुआ था और सेनेट में पड़ा था वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। अब जब दोबारा नेशनल असेंबली बनेगी तो नए सिरे से देखा जाएगा उसको, लेकिन क्योंकि सेनेट परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है, सेनेट कभी ख़त्म ही नहीं होती, लिहाजा अगर कोई बिल सेनेट से ओरिजिनेट हुआ था, सेनेट ने पास कर लिया था, नेशनल असेंबली में पड़ा हुआ था, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, तो वो बिल डिसॉल्व नहीं हुआ साथ, सेनेट से अप्रूव्ड है, जब भी नई असेंबली बनेगी उसको देख लेगी। तो ये इसमें ना वेरिएबल्स हैं काफ़ी किस्म के, तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं वन बाई वन, और चीज़ें इसमें थोड़ी सामने आएंगी। ये प्रोसेस है जो सवाल जिसमें से आती है। अच्छा, मनी बिल का थोड़ा सा ना एक्सेप्शन है, ये सारी जो कहानी हमने बताई है ना, इसमें मनी बिल की एक्सेप्शन है। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल होता है फाइनेंस बिल, जो बजट होता है, सालाना बजट, एनुअल बजट नॉर्मली एक आता है, या एनी यू नो उसे क्या कहते हैं, अबूरी को क्या कहते हैं, इंटरम, एनुअल या इंटरम, कोई भी आप ना फाइनेंस बिल बनाते हैं कि जी टैक्स ऐसे कम करने हैं, ऐसे ज़्यादा करने हैं, सेल टैक्स बढ़ाना है, इनकम टैक्स कम करना है, वगैरह वगैरह, तो उसमें सेनेट का रोल नहीं होता, वो नेशनल असेंबली सिर्फ बनाती है। नेशनल असेंबली मनी बिल पास करती है, सेनेट को बाईपास करते हुए प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाते हैं, सेनेट को बाईपास करते हुए। आपको सेनेट से उसके ऊपर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सेनेट उसको डिस्कस कर सकती है, सेनेट अपनी सिफारिशात दे सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, बट सेनेट की सिफारिशात को यहाँ मानना ज़रूरी नहीं है मनी बिल में। मनी बिल के अलावा कोई भी बिल होगा तो उसमें सेनेट की सिफारिशात मानी जाएंगी। आप यूँ समझें कि जो लॉ मेकिंग है ना, नॉर्मली हमारे यहाँ होती है सेनेट में, हमारे सेनेटर पढ़े लिखे लोग होते हैं सारे, मुशर्रफ दौर में लगाई थी उन्होंने, मुशर्रफ दौर में उन्होंने कहा था ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, जो ग्रेजुएट नहीं होगा वो नाअहल हो जाएगा। जाली डिग्रियां प्रेजेंट की आपके एमएनएस ने, मैट इसकी ग्रेजुएशन की जाली डिग्रियां प्रेजेंट की, 3 दर्जन से ज़्यादा लोग अदालत से नाहल हुए इस बुनियाद के ऊपर कि आपने जाली डिग्री प्रेजेंट की। उसके बाद वो ख़त्म कर दी गई शर्त कि अच्छा जी ग्रेजुएट होना क्यों ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, फिर सारे लोग फिर से आ गए। ग्रेजुएशन की शर्त उन्होंने लगाई थी मुशर्रफ दौर में,
कई लोग फिर खुद अपने जगह पे अपनी बेटियों को आगे किया, अपने बेटों को आगे किया कि जी ये ग्रेजुएट हैं। सबसे ज़्यादा उस वक्त जो दो नंबर डिग्रियां बनी थी वो ये होती है ना, आलम फाजल जो होते हैं मतलब ये इधर से, हाँ इनको भी इजाज़त थी कि ये भी कंटेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी डिग्री भी इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन मानी गई थी। तो वो लोग जाली डिग्रियाँ लेके आ गए थे। उस दौर में कितने लोग थे, डॉक्टर बाबर अवान, डॉक्टर अमर लियाकत हुसैन। आप किसी के नाम के साथ डॉक्टर लिखा देखते हैं आप, वजह है ना, खत्म कर दिया उन्होंने, जाली डिग्रियाँ लोग लेके आ गए थे। तो पढ़े नहीं जरा लॉ मेकिंग का प्रोसेस पढ़े। अच्छा सॉरी, मैं बात जो बताने लगा था ना कि मनी बिल वो है जो जिसमें टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स कम ज़्यादा किए जाते हैं। उसके अलावा बिल कई किस्म के आते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ आता है जी कि कोई एक संगीन जुर्म है, पब्लिक सेंटिमेंट उसके ऊपर आ गया जी, तो हम कहते हैं जी इस जुर्म का जो भी इर्तकाब करे उसको फांसी दे दो। MNA फांसी का बिल अप्रूव करके भेज देते हैं क्या जी, इसको फांसी दे दो। सेनेटर नहीं मानते उसके ऊपर। PPP के सेनेटर्स का हमेशा से इसके ऊपर जो है ना बड़ा सख्त स्टांस रहा है कि नहीं, सजाए मौत नहीं देनी किसी को, सजाए मौत ख़त्म करो, ये सजा नहीं होनी चाहिए, लोगों को बेहतर करने की कोशिश करो वगैरह वगैरह जो भी उनका स्टांस है। तो ये वो बिल हैं जिनके ऊपर वो लोग राय देते हैं कि नहीं इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। अभी भी अगर आप ना, आपको इंटरेस्ट हो तो आप नेशनल असम्बली की वेबसाइट खोल के देख लें या सेनेट की वेबसाइट खोल के देख लें, उसमें बिल्स और एक्ट्स का ना एक टैब है, उसमें लिखे हुए होंगे कि आज कल कौन से बिल या कौन से एक्ट्स के ऊपर डिस्कशन चल रही है सेनेट में या नेशनल असम्बली में। पढ़िए। दोनों घरों से पास हो गया, कोई अमेंडमेंट नहीं की, कंसेंसस हो गया, प्रेसिडेंट के पास चला गया जी साइन कर दें। ये वो सिचुएशन के जब एक घर से बिल अब निकला था, वहाँ से अप्रूव हो गया, अगले घर गया यानी नेशनल असम्बली से सेनेट गया या सेनेट से नेशनल असम्बली आया, तो अगले घर ने उसको अमेंडमेंट करके अप्रूव किया। तो फिर ऐसे प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था पहले वहाँ जाएगा, वो भी एज इट इज़ अप्रूवल देंगे फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ये नहीं हो सकता कि हम प्रेसिडेंट के पास चले जाएँ कि नेशनल असम्बली कहती है इसकी सजा 10 साल होनी चाहिए, सेनेट कहती है 7 साल होनी चाहिए, आप ज़रा इसको कोई दरमियान में कर दें। हमने तय करके लेके जाना है प्रेसिडेंट के पास, यदि इसको साइन कर दें जी। अच्छा, अब क्या होता है कि सेनेट ने कोई बिल पास किया, नेशनल असम्बली में भेजा, तो नेशनल असम्बली के पास 90 दिन हैं उसको अप्रूव या रिजेक्ट करने के। 90 दिनों में ये अप्रूव कर देते हैं तो बहुत अच्छे, एज इट इज़ अप्रूव कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, अमेंडमेंट के साथ अप्रूव करते हैं तो वापस चला जाएगा। अगर कुछ भी नहीं करते तो जिस हाउस से बिल ओरिजिनेट हुआ था वो कह सकता है कि जनाब एक जॉइंट सिटिंग बुला लें जिसमें MNAs को भी बिठा लेंगे, सेनेटर्स को भी बिठा लेंगे, एक ही दफ़ा में डिबेट इसके ऊपर कर लेते हैं, सारे इकट्ठा पास कर लेते हैं इसको। तो फिर जॉइंट सेटिंग जब होती है तो उसमें फिर बिल जो प्रेजेंट होता है वो पास या फेल फिर वहीं पर हो जाता है कॉमन वोट्स के साथ ही, सबका वोट काउंट हो जाता है फिर उसमें, और उसमें प्रिजाइड उसको फिर चेयरमैन सेनेट करते हैं। अब इसमें हुआ ये कि सेनेट में बिल पास हुआ, नेशनल असम्बली आया, नेशनल असम्बली ने उसको कुछ भी नहीं किया, तो सेनेट कह सकती है कि जी एक ज़रा जॉइंट सेटिंग बुलाएं ना, एक हमने ये बिल एक डिस्कस करना है। तो फिर जॉइंट सेशन होता है सबका, सब इकट्ठे होकर बैठते हैं, उसमें फिर मेजॉरिटी से वोट होते हैं तो पास हो जाते हैं। मेजॉरिटी है उसमें नुकसान क्या है जॉइंट सेटिंग में या उसमें? जॉइंट सेटिंग में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी ना नेशनल असम्बली में
यूजली उसकी सेनेट में भी मेजॉरिटी होगी तो वो फिर बिल पास करवा लेगी। इसलिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि सेनेटर्स ने जब नहीं पास करना किसी चीज़ को तो वो फिर जॉइंट सिटिंग तक बात आने ही नहीं देते, उसमें कुछ ना कुछ वो चेंज करके वापस भेजते रहते। जी एक घर में बिल पास हुआ और वो दूसरे घर में गया, दूसरे घर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये किया नहीं, वो दूसरे घर ने उसमें अमेंडमेंट्स की, अमेंडमेंट करके वापस भेज दिया। ये जिसने पास किया था पहले वो कहते नहीं हमने तो ये अमेंडमेंट्स नहीं माननी, तो फिर क्या होगा, फिर अगेन ज्वाइंट सेशन होगा। एक अच्छा, अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जॉइंट सिटिंग किस किस केस में होनी है। एक वो केस है कि एक बिल एक हाउस में पास हुआ, दूसरे हाउस ने उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट ही नहीं किया 90 डेज में, या रिजेक्ट कर दिया, तो फिर जॉइंट सिटिंग होगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक घर ने बिल पास किया, दूसरे घर ने भी पास किया लेकिन विद अमेंडमेंट्स किया, तो जब अमेंडमेंट्स करके वापस आया तो इस घर ने पास नहीं किया उसको, तो फिर जॉइंट सिटिंग होगी। समझ आ रही है बात? ये वाले परेशानी तो नहीं हो रही? आसान आसान सी बात है यार, 5 से 8 नंबरों का सवाल है ना इसमें से। मनी बिल, मनी बिल टैक्सेस का बिल, बजट फाइनेंस बिल, पैसों की बातें, पैसों की बातें सेनेटर से नहीं करनी, हमने नेशनल असेंबली में करनी है और डायरेक्ट प्रेसिडेंट पे ले जानी है। सेनेट से सिफारिशात मंगवा लेंगे फिर वो रिजेक्ट कर देंगे, मतलब हमने किया ना, हमने मुराद के इमरान खान की पहली हुकूमत जब आई, पहली दफ़ा जब बजट इन्होंने पेश किया तो सेनेट ने इतनी लंबी सिफारिशात दी, इन्होंने एक भी नहीं मानी, सारी की सारी रिजेक्ट कर दी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, खत्म हो गए सारे सिनेरियोस। लो जी एक दफ़ा देख लो ज़रा सारे सिनेरियोस को। एक सिनेरियो है गुड गुड, नेशनल असेंबली भी पास, सेनेट भी पास, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। दूसरा सिनेरियो है गुड और लिटिल गुड विद अमेंडमेंट्स, एक साइड से गुड है दूसरी साइड से गुड विद अमेंडमेंट्स है। गुड विद अमेंडमेंट्स को वापस बुलाया तो उन्होंने कहा ठीक है ये अमेंडमेंट्स हम भी मान लेते हैं, समझ आती है बात, फिर गुड गुड हो गया, फिर प्रेसिडेंट के पास चला गया। तीसरी सिचुएशन है एक तरफ से गुड हो गया, पास हो गया, दूसरी तरफ ने रिजेक्ट या एक्सेप्ट ही नहीं किया उसको 90 डेज में, तो हम जॉइंट सिटिंग बुला लेंगे। चौथी सिचुएशन है एक घर ने गुड किया, दूसरे घर ने भी गुड किया लेकिन विद अमेंडमेंट्स, अब वो अमेंडमेंट्स वाला वापस आया तो इन्होंने कहा नहीं हमने ये अमेंडमेंट्स नहीं माननी, तो ये नहीं करेंगे कि दोबारा अपनी तरफ से पास करके फिर उनको भेज दें, बल्कि आप फिर ये जॉइंट सेशन बुला लेंगे। मनी बिल पाँचवीं पोजिशन है कि जहाँ पर फाइनेंस और टैक्सेस से रिलेटेड है, टैक्स कम करने हैं, ड्यूटी ज़्यादा करनी है, टैक्स घटाना है बढ़ाना है, तो ये फाइनेंस बिल होता है। ये कोई सेनेट को दिखाने वाली चीज़ नहीं है, हम बिल भेज देंगे रिकमेंडेशन के लिए, उनके रिकमेंडेशन आएंगी तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको इनकॉर्पोरेट करें, करना होगा कर देंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा। जी यहाँ तक बताओ कोई बात डिस्कशन वाली हो तो एक दफ़ा देख लो ज़रा, आप लोग कोई बात है पूछने वाली तो पूछ लो। जिसने ओरिजिनेट किया, असल में ना लोग पॉलिटिक्स क्यों करते हैं, अपेरेंटली ऐसा लगता है कि लॉ मेकिंग के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, वो अपने अपने इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं लोग। कुछ लोगों के इंटरेस्ट इतने बढ़ चुके होते हैं कि उसको सेफगार्ड करने के लिए उनको पावर की पोजीशन में आना पड़ता है, मतलब कंपनीज एक्ट में एक अमेंडमेंट आई डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की, और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स आए, तो सेनेटर्स उस बिल को, उन्होंने जितनी कोशिश हो सकी उसको उन्होंने
उसको अपोज किया और रिजेक्ट करवा लिया कि नहीं ये नहीं होना, आप ये डिस्क्वालिफिकेशन ना लगाएं। उसमें करप्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी कि अगर नैब से आप सजा याफ्ते हैं तो फिर आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, ये तो कोई बात नहीं, फिर तो हम अपनी कंपनियों से सारियों से निकल जाएंगे। तो फिर उन्होंने उसको जो है ना वो अपोज करके लड़के ख़त्म करवाया। अभी भी देख लेना पिछले 15-20 दिनों से क्या सर्कस चल रहे, मतलब हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है सर्कस से कम है कोई, कि इतने स्पार्ट फेस के साथ वो बैठ जाते हैं आगे टीवी पे और कहते हैं जी मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हम इमरान खान साहब के साथ हैं, अगले दिन कहते हैं मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हम जरदारी साहब के साथ हैं, मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हम आज जो है दोनों तरफ का फैसला नहीं कर पाए अभी। भाई ये कौन सी मुल्क कौम की बेहतरी है जो कि कभी एक दिन एक है दूसरे दिन दूसरी है, ये आपकी अपनी बेहतरी है, अपनी बेहतरी के लिए दलाले से कहते हैं जी कि मुझे चीफ मिनिस्टरशिप मुझे दे दो, दूसरा उधर कहते नहीं जी मुझे वजारतें दे दो, इसमें आपने कौन सी मुल्क कौम की बेहतरी करनी है, जो एग्जिस्टिंग वजारतें कर रहे हैं वो ठीक नहीं, तो वो ज़रा सियासत और उसका ना सिलसिला इस तरह का है। कहा यह जाता है हमेशा कि हम तो जी बेहतरी के लिए आए हैं, हम तो लोगों की बेहतरी के लिए वेलफेयर के लिए आए हैं, हमें तो कोई बट होता वो अपेरेंटली वही है जो उन्होंने करना होता। आगे चलो, आगे क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अगर पार्लियामेंट के इजलास इस वक्त नहीं हो रहे और या पार्लियामेंट में कोई चीज़ पेश करेंगे और उसमें टाइम लग जाएगा, जाहिर है ये पूरा एक शटल कॉक तो है, एक हाउस से दूसरे, दूसरे से पहले कोई लॉ बनाने में टाइम लग जाएगा और अभी पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा, देर इज़ एन एमरजेंट सिचुएशन कि कोई कानून बनाना है, तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो ऑर्डिनेंस जो वो जारी करेगा वो फिर पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा जब पार्लियामेंट का इजलास होगा। अगर वो कितने 90 दिन है कि 120 दिन, अगर 120 दिनों के अंदर अंदर वो पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होता तो फिर वो ऑर्डिनेंस रिपील हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। प्रेसिडेंट का इस्तेहकाक तो है कि वो फौरी तौर पे कानून बना दे, लेकिन कानून अगर पार्लियामेंट से पास नहीं होता तो वो रिपील हो जाता है। पढ़ो जरा इसको। The president shall assent to the bill within 10 days or return it to the parliament for reconsideration in case of a bill other than the money bill. ठीक हो गया जी, इसके पास कितने दिनों का वक्त है, 10 दिनों का, दोनों घरों से अप्रूव होकर बिल पहुंच गया तो 10 दिनों के अंदर अंदर करना है। मैं 15 समझ रहा था, 10 दिन है इनके पास। हाँ जी, मनी बिल के लिए क्या है, द प्रेसिडेंट शैल असेंट टू द बिल विद इन 10 डेज और रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसीडरेशन इन केस ऑफ अ बिल अदर देन मनी। ठीक है, रिकंसीडरेशन केस में दूसरा बिल जा सकता है। ठीक है, ऑफ एनी प्रोविजन और एनी अमेंडमेंट देयर। ठीक है, सिनेरियो 6, द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसीडरेशन। पढ़ो उधर। द बिल इज रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसीडरेशन बाय द पार्लियामेंट इन जॉइंट It is again passed with or without amendment by the Parliament by the votes of the majority of the members of both the houses present and voting. The bill is presented to the President for assent. ठीक है, President ने आपका जो दोनों घरों से पास हुआ बिल था उसको वापस भेज दिया कि मुझे लगता है इसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है, तो फिर वो ज्वाइंट सिटिंग में देखा जाता है। जी, lapse of the bill. A bill shall lapse on dissolution of National Assembly if it is pending in or passed by the National Assembly and is pending in the Senate. A bill shall not lapse on dissolution of National Assembly if it is pending in the Senate and it has not been passed by the National Assembly. ये बता दिया मैंने आपको, सेनेट से जो ओरिजिनेट हुआ नेशनल असेंबली का रिजोल्यूशन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेशनल असेंबली से जो बिल ओरिजिनेट हुआ था, जो चला ही नेशनल असेंबली से था, वो अगर सेनेट में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है तो फिर जो ही नेशनल असेंबली ख़त्म होगी तो साथ ही उस बिल की एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। जी, ऑफर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमल्गेट ऑर्डिनेंसेस। जी, ये मैंने अभी आपको बता दिया, रीडिंग सिर्फ इसकी कर लीजिए, पढ़ें पढ़ें। द प्रेसिडेंट इज डीम्ड नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन, ही हैज पावर टू मेक एन ऑर्डिनेंस व्हेन द सेनेट और द नेशनल असेंबली आर नॉट इन द सेशन, सच ऑर्डिनेंस प्रमल्गेटेड थस Shall have the same force and effect as an act of the Parliament. The ordinance shall stand repealed after 120 days if it is not presented or passed.
120 डेज के अंदर अंदर जी अगर वो बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं किया जाता या पास नहीं होता तो वो लैप्स कर जाएगा। अच्छा, अब एक्ट और ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है? एक्ट जो पहले बिल था किसी असेंबली में या नेशनल असेंबली में या सेनेट में पेश हुआ, प्रॉपरली उसके ऊपर दोनों हाउसेस की अप्रूवल हुई और फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया तो वो उसका नाम होता है एक्ट। पहले उसका नाम आपने रखा होता है जी, फर्स्ट कर लेते हैं कोई भी एक जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल, पहले होगा जी चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल 2020, ये होगा। जब इसके ऊपर नेशनल असेंबली भी डिबेट कर लेगी और पास कर देगी, सेनेट भी पास कर देगी और प्रेसिडेंट के साइन हो जाएंगे तो फिर इसका नाम चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2020 हो जाएगा। ठीक है, चाहे पास ही जाके 21 में ही हो, 2020 में रहेगा। ऐसे ऑर्डिनेंस क्या होता है, आपके प्रेसिडेंट ने प्रोमल्गेट कर दिया ऑर्डिनेंस क्योंकि जल्दी स्पीक हुई किसी चीज़ की। ठीक है जी, उसने फर्ज कर लो जी, उसने कहा जी कि नैब का ऑर्डिनेंस दोबारा बनाना है, नैब ऑर्डिनेंस 2022, नैब ऑर्डिनेंस 2022। अब ये ऑर्डिनेंस, अब जब ये ऑर्डिनेंस बना, ये आज की डेट में एप्लीकेबल है चाहे इसकी पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं हुई, 120 दिनों तक ये एप्लीकेबल है एज इट इज। 120 दिनों के बाद अगर पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया 120 दिनों के अंदर अंदर तो इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप पार्लियामेंट ने कर दिया इसको अप्रूव, नेशनल असेंबली ने भी और सेनेट ने भी, दोनों ने इसको पास कर दिया, तो फिर इसका नाम रहेगा यही नैब ऑर्डिनेंस 2022। नॉर्मली इसको फिर एक्ट नहीं कहते क्योंकि ऑर्डिनेंस का वर्ड इसके अंदर रहेगा तो हमेशा ये याद करवाता रहेगा कि ये बना कैसे था। जैसे अभी देखो ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, हालांकि पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही चल रहा है उसका नाम, बिकॉज बना ऐसे था, प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट प्रोमल्गेट किया था। ऐसे होते आगे जी। नेशनल असेंबली कर सकती है कि अच्छा जी अभी वो पास नहीं हो सका तो 120 दिनों का मजीद हम टाइम इस ऑर्डिनेंस को देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो आगे इसका जो था ना वो टेबल दिया हुआ है, अभी जो आपने पढ़ा है उसका डिटेल्ड टेबल अगले पेज पे दिया हुआ है, कौन कौन सा बिल कहाँ कहाँ मूव कर रहा होगा, डेटा फ्लो डायग्राम तकरीबन उन्होंने बनाई हुई है, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा और अभी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन को एक नज़र देख लें, कोई बात पूछने वाली है तो अभी पूछ लें वरना फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। कल मैं सवाल पूछूंगा इसमें से आप सब लोगों से, हाँ मंडे को मतलब कल कमिंग डे जो भी होगा। तो बिगिन में तो हमारी क्लास 3 दिन है, हम देखते हैं आफ्टर जो है ना तो रिजल्ट, इसका कुछ टाइम हम एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, सॉरी हो जाएगा, परेशान नहीं हो। ओके मतलब मैं जाऊं? नहीं पूछना कुछ, थैंक यू।